एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेस्टोलॉजी की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी। पेस्टोलॉजी की एजुकेशनल फिलॉसफी में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, उसके बाद हम प्रिंसिपल्स भी जानेंगे, पेस्टोलॉजी की प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ टीचिंग देखेंगे, स्कूल टीचर और डिसिप्लिन देखेंगे। मेरे इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाती है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरे चैनल पे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इस तरीके के और भी बीए रिलेटेड वीडियो लेके आ सकूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं पेस्टोलॉजी की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी। तो पेस्टोलॉजी से कनेक्ट जो रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। डिस्कस एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ पेस्टोलॉजी, एक्सप्लेन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ पेस्टोलॉजी, डिस्कस कंट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इवेल्युएट एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ पेस्टोलॉजी, write short notes on the following: pestalozzi concept of education as well as aim of education, pestalozzi ideals of education। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तब हम देख लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा लाइफ स्केच जान लेते हैं पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी का फुल नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। इनका जन्म 12 जनवरी 1746 में 1746 को ज्यूरिच में हुआ था। इनके जो फादर थे वो फिजिशियन थे। जब पेस्टोलॉजी केवल 5 साल के थे उस टाइम ही इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनकी जो मदर थी वो बहुत ही अफेक्शनेट थी, सेंसिटिव और डिवोटेड वुमेन थी, जिन्होंने अपने 3 बच्चियों को क्या किया, और अंडर बहुत ही अनफेवरेबल सरकमस्टेंसेस में भी अपने 3 बच्चों को उन्होंने क्या किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको बड़ा किया, ठीक है। और जो पेस्टोलॉजी थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए अपनी जो मदर है उनके सेल्फ सेक्रीफाइस से। आगे देख लेते हैं, पेस्टोलॉजी कुड नॉट लर्न मच एट द एलिमेंट्री एंड लैटिन स्कूल, ही स्टडीड इन द हायर स्कूल एट ज्यूरिच, ठीक है। उन्होंने अपने एलिमेंट्री स्कूल कम्प्लीट किया, पर वो अपनी कुछ ज़्यादा वो एलिमेंट्री स्कूल में एजुकेशन नहीं ले पाए। हियर ही वॉज एक्वेंटेड विथ मेनी पॉलिटिकल एंड यहाँ पे वो क्या हुए, बहुत सारे जो पॉलिटिकल और सोशल जो लोग हैं उन लोगों से वहाँ पे वो मिले, उनसे दोस्ती की उन्होंने। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज टीचर ही बिगेन टू डिस्पाइस वेल्थ, लग्जरी एंड ऑल मटेरियल कम्फर्ट्स एंड कंसिडर्ड नथिंग एज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एज द प्लेजर ऑफ द माइंड एंड सोल एंड द परसुइट ऑफ जस्टिस एंड द ट्रूथ ही। और ये जो थे रूसोज एमिली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। इनके कुछ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्क, इम्पॉर्टेंट वर्क, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लियोनार्ड एंड गेट्रूड 1782 में इन्होंने एक नॉवल अपना लिखा था। उसके बाद हाउ गेट्रूड टीचेज हर चिल्ड्रन 1818 में इन्होंने अपना ये जो है नॉवेल लिखा था, जिसमें कि इन्होंने पेस्टोलॉजी प्रिंसिपल्स जो थे उन्होंने इसमें क्लियर तरीके से बताया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप द स्वान सॉन्ग एंड माय एक्सपीरियंस 1826 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। एनसी टेन एंड एरफ्रागेन इन्होंने लिखा था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे आप देखें 1780 में द इवनिंग आवर्स ऑफ हर्मिट, और 1818 में उन्होंने लेटर्स ऑन अर्ली एजुकेशन लिखा था, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी। तो यहाँ पे देखिए पेस्टोलॉजी एजुकेशनल फिलॉसफी जो थी वो आउटकम थी किसकी, एजुकेशनल जो उनकी खुद की जो कंडीशन थी, जो उन्होंने देखा अपने लाइफ को, जो रियलाइज़ किया, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी एजुकेशनल फिलॉसफी तैयार की थी। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो उनका क्या मानना था कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो नेचुरल हारमोनियस और
प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर, यानी मैंस की जो इनेट पावर है उसको क्या करता है, उसको नेचुरली और हार्मोनियसली और प्रोग्रेसिव तरीके से उसको डेवलप करता है। और द हेड हैंड एंड हार्ट शुड डेवलप हार्मोनियसली, उनका क्या मानना था कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें कि हेड का, हैंड का और हार्ट का, इन सभी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हार्मोनियसली होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए उनका एम ऑफ एजुकेशन क्या था। एम ऑफ एजुकेशन की यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेस्ट्रोलॉजी थे वो कंडीशन को चेंज करना चाहते थे, किसकी, जो कॉमन पीपल है उनकी कंडीशन को चेंज करना चाहते थे। और उनका ये डिज़ायर था कि वो जो डिग्रेडेड पीपल्स हैं उन लोगों का जो लेवल है वो सोसाइटी में उसको बढ़ाना चाहते थे, अपग्रेड करना चाहते थे। His aim in life was to improve the lot of the poor people. उनका लाइफ में क्या एम था कि जो पुअर पीपल हैं, जो डिग्रेडेड पीपल हैं, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना उनका एक एम था। द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स पेस्ट्रोलॉजी एम, हीज ह्यूमैनिटेरियनिज्म वॉज रेनफोर्स इन अर्ली यूथ बाई हिज रीडिंग ऑफ रूसो वर्क। तो इन्होंने क्या किया, जो रूसो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। टू पेस्ट्रोलॉजी द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द एवरी इंडिविजुअल लाइफ हैप्पियर एंड मोर वर्चुअस। उनका क्या मानना था कि एजुकेशन का एक एम होना चाहिए कि हर इंडिविजुअल के लाइफ को खुशियों से भर सके। ठीक है, ही रिगार्डेड द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर ऑफ इंडिविजुअल एज श्योर मीन्स फॉर अचीविंग दिस एंड। और उनका मानना था कि एजुकेशन के द्वारा इन सभी जो हार्मोनियस डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है। चलिए देख लेते एम ऑफ एजुकेशन। सबसे फर्स्ट है स्टार्ट रिफॉर्म विद द इंडिविजुअल। ठीक है, ऑल ट्रू रिफॉर्म मस्ट स्टार्ट विद द इंडिविजुअल और नॉट विद सोसाइटी। यानी कि जो रिफॉर्मेशन होनी चाहिए सोसाइटी में वो हमें होल, जैसे कि पूरी सोसाइटी का ना सोचते हुए इंडिविजुअल तरीके से सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अलग डिमांड होती है, अलग नीड होती है, तो हमें हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करना चाहिए। टीचिंग द डेवलपमेंट इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ, और जो इंडिविजुअल है उनको इतना पावरफुल बनाना चाहिए जिससे कि वो अपनी हेल्प खुद कर सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड किसी तरीके से ना रहे। अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट में क्या है कि पेस्ट्रोलॉजी का क्या मानना है कि हर एक चाइल्ड के अंदर वो पावर होती है अपने आप को डेवलप करने की। बट दिस पावर इज लेटेंट एंड दे आर मेरली अवेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन लोग अपने पावर का यूज़ नहीं करते, केवल वेट करते रहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, ठीक है, जो कि डेवलप हो जाए। ऐसा नहीं होता, हर एक चाइल्ड के अंदर वो पावर होती है, लेकिन लोग उसको इग्नोर करके क्या करते हैं, केवल अपॉर्चुनिटी का केवल क्या करते हैं, वेट करते हैं। अब पेस्ट्रोलॉजी आइडल ऑफ एजुकेशन, उनके आइडल ऑफ एजुकेशन क्या था। तो पेस्ट्रोलॉजी वॉज पेंड एट द डिप्लोरेबल एजुकेशन कंडीशन ऑफ हिज टाइम, therefore the good of the masses he formulated his, उन्होंने अपना educational ideals यहाँ पर देख सकते हैं, आइडियल ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो पेस्ट्रोलॉजी की जो एजुकेशन थी वो किस पे डिपेंड थी, वो लिबर्टी पे, फ्रीडम पे, लोगों को फ्रीडम देने की बात करते थे। उनका क्या मानना था, वो क्या कहते थे कि लीड योर चाइल्ड इन टू नेचर, यानी जो अपने बच्चे हैं उनको नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, टीच हिम ऑन द हिल टॉप्स, उनको क्या है, हिल टॉप्स में उनको टीच किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली जो है वो कोई भी चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द वैलीज देयर ही विल लिसन बेटर, वहाँ पे उन्हें अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ सीखने में मदद होगी। एंड द सेंस ऑफ फ्रीडम विल गिव हिम मोर स्ट्रेंथ टू ओवर डिफिकल्टीज, यानी कि वो जो स्वतंत्रता, वो जो फ्रीडम उनको दी जाएगी, उससे क्या होगा, वो बच्चे के अंदर जो स्ट्रेंथ पैदा होगी जिससे कि वो अपने कोई भी डिफिकल्टीज जो लाइफ में है उसको सॉल्व कर सकता है। बट इन दिस आवर ऑफ फ्रीडम लेट हिम बी टॉट बाय नेचर, लेकिन क्या किया जाना चाहिए कि ये जो फ्रीडम बच्चों को दी जा रही है उसमें जो नेचर है वो क्या करेगा, वो बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाएगा रैदर देन बाय यू। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप बच्चे को केवल क्या करना है, चाइल्ड को नेचर पे जाके बच्चे को क्या करना है, नेचर से इंट्रोड्यूस करवाना है, और जो नेचर है उसी, वही बेस्ट टीचर है चाइल्ड के लिए। ठीक है, लेट हिम फुल्ली रियलाइज दैट शी इज द रियल टीचर एंड दैट यू विथ योर आर्ट डू नथिंग मोर देन वॉक क्वाइट लेट हर साइड। यानी
यानी कि जो पेस्टोलॉजी, उनका मानना ये था कि जो बच्चे को अगर नेचर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो यहाँ बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि टीचर कौन होना चाहिए, नेचर, बच्चे नेचर से ही कोई चीज़ सीखते हैं, बच्चे के अंदर खुद वो पावर होती है और केवल उसको डेवलप करने का काम कौन करता है, टीचर, ठीक है। लेकिन जो रियल टीचर है वो क्या है, नेचर ही है, ठीक है। आगे देखते हैं नेचर एज अ गाइड, सेकंड है नेचर एज अ गाइड। तो जैसा हमने पढ़ा पेस्टोलॉजी क्या मानते थे कि जो नेचर है वो बेस्ट गाइड है फॉर अ चाइल्ड, ठीक है। उनका मानना था कि जो नेचर है वो विच डेवलप्स द फोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, द पाथ ऑफ नेचर, यानी नेचर, नेचर के पाथ पे बच्चा चल के क्या करेगा, एक ह्यूमैनिटी के पाथ पे वो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन विच ब्रिंग्स ट्रू विजडम एंड पीस ऑफ माइंड मस्ट बी सिंपल, और एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, एंड सभी के विद इन एवरी बॉडीज रीच, सभी के रीच में होनी चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि कोई बच्चे एजुकेशन से वंचित रह जाए किसी कारण, सभी के रीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो नेचर डेवलप्स ऑल द फोर्सेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय एक्सरसाइजिंग देम, दे इंक्रीज विद द यूज़, और जितना हम लोग उस, दे इंक्रीज विद द यूज़ मतलब कि जो एजुकेशन है उसको हम जितना यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं नॉलेज ऑफ गॉड, ठीक है। तो वन ऑफ द आइडियल ऑफ पेस्टोलॉजी फिलोसोफी एजुकेशन वॉज फेथ इन गॉड, इनका मानना था कि भगवान पे, गॉड पे बिलीव, यानी फेथ भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉड इज़ द मेजर ऑफ ऑल एजुकेशन, और गॉड जो है वो सभी एजुकेशन का क्या है, एक तरीके से मेजर है। पेस्टोलॉजी इन द इवनिंग आवर्स ऑफ हार्मिट ऑब्जर्व्स अ मैंस ग्रेटेस्ट नीड इज़ द नॉलेज ऑफ गॉड, उनका मानना था कि एक इंसान का जो सबसे बड़ा नीड है वो क्या होना चाहिए, कि भगवान का ज्ञान, भगवान कौन है, भगवान के बारे में जानना, उनके बारे में नॉलेज रखना। द प्योरेस्ट प्लेजर ऑफ हिज होम डू नॉट सेटिस्फाई हिम, उसके केवल घर का एनवायरनमेंट उसको खुश नहीं रख सकता, बल्कि गॉड जो है उनके बारे में, उनके बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन, इनका मानना था कि एजुकेशन ने बच्चे को मोटिवेशन भी देना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और बट इट्स इम्पॉर्टेंस इन एजुकेशन इज मच मोर, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नॉलेज डिपेंड्स अपॉन द मोटिवेशनल फंडामेंटल, और जो नॉलेज है वो जो है मोटिवेशन फाउंडेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, सच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीट इन द सेंस दैट इट मस्ट टेक अकाउंट ऑफ ऑल अवर एप्टीट्यूड्स एंड ऑल अवर सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली इनका मानना ये था कि एजुकेशन में टीचर को ज़रूरी है, नेसेसरी है कि वो बच्चे को मोटिवेट करते रहे। पॉजिटिविटिज्म इन पेस्टोलॉजीज एजुकेशन, ठीक है। तो ये पॉजिटिविटिज्म भी एक पॉइंट है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटिज्म जो है एजुकेशन फॉर एथिकल सोसाइटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एथिकल सोसाइटी के लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बताया था। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेजेस इन ग्रोथ ऑफ माइंड, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है आप इस जो है पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे। मेथड ऑफ टीचिंग हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से जो टॉपिक्स को है इंक्लूड करने की बात कही थी। इन्होंने अरिथमेटिक को, यानी बेसिकली मैथ्स को इन्होंने ऐड करने की बात कही थी, टीचिंग ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग एंड राइटिंग, ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री, नेचर स्टडी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, लैंग्वेज भी इन्होंने कहा था इंक्लूड करने के लिए, रिलीजियस और मोरल ट्रेनिंग को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और आर्ट्स एंड विजुअल इन एजुकेशन अगर आप चाहे तो उसको ऐड कर सकते हैं। स्कूल देख लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो स्कूल है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। पेस्टोलॉजी वॉन्टेड टू क्रिएट अ होम स्पिरिट, यानी कि स्कूल कैसा होना चाहिए, जैसे कि होम होता है बच्चों का, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, उस तरीके से एक स्कूल भी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, होम के जैसे ही बच्चों के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे द होल वर्क इन द स्कूल शुड बी अरेंज
हैज़ टू मेक द चाइल्ड फील लाइक, यानी कि इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाना चाहिए स्कूल में कि बच्चों को वो अपने एक होम के जैसा उसमें एहसास हो, फीलिंग्स हो। पेस्टोलॉजी का क्या मानना था कि स्कूल जो है उसको रिफॉर्म्ड करना चाहिए, इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं और उसमें बहुत सारे जो कमियाँ हैं उसके लिए बहुत सारे वर्क करना चाहिए और स्कूल को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, रिफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, देर शुड बी नो गल्फ बिटवीन होम एंड स्कूल, यानी होम और स्कूल के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसा बच्चे को होमली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए स्कूल में भी। ठीक है, तो नो स्कीम कैन सक्सेसफुली वर्क अनलेस द टीचर फील फॉर ए स्टूडेंट, ही मस्ट बी टेम्परमेंटली सो फ्रेम एज टू सिंपथाइज विद द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड मेंटेन ए लविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स चिल्ड्रन। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है, कैसे कि जो बच्चों को समझने में, बच्चे की साइकोलॉजी को समझने में, और जो टीचर होती है उनका जो नेचर होना चाहिए टुवर्ड्स चाइल्ड कैसा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में देख सकते हैं पेस्टोलॉजी क्या मानते थे कि जो चिल्ड्रन ट्रस्ट, जो चिल्ड्रन का जो ट्रस्ट होता है उनके टीचर्स में, उनके मास्टर्स में, उनके जो लव में, उनके ग्रेटिट्यूड। ठीक है, तो पेस्टोलॉजी थॉट दैट अ टीचर, पेस्टोलॉजी का मानना था कि जो टीचर है वो क्या है, गार्डनर है, एक माली के जैसा है। ठीक है, ठीक है, तो गार्डनर एंड ए पीपल लाइक ए प्लांट, और जो स्टूडेंट है वो क्या है, एक प्लांट के जैसे हैं। इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रोसेस्ड स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन टीचर को देना है वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को देनी चाहिए। जिस तरीके से एक जो गार्डनर होता है वो सीड को जिस तरीके से प्लांट करता है, जिस तरीके से उसका नर्चर करता है, उसी तरीके से टीचर को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी समझे और बच्चे के अकॉर्डिंग ही बच्चे को एजुकेशन दी जानी चाहिए। किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, एंड ही थॉट दैट इट वाज गुड इफ़ नो पनिशमेंट, मतलब किसी तरीके की पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि पनिशमेंट के कारण हो सकता है बच्चे पर बैड इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन पेस्टोलॉजी। आई होप यू आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर PDF प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।